दो सेंटेंस आपके सामने हैं। द टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, दे वो लोग, हु हैव नॉट डन देयर होमवर्क, जिन्होंने अपना काम नहीं किया है, शुड गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से बाहर हो जाए। चेक कीजिएगा कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, जी हाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है। एंटीसीडेंट क्या है, दे इसका एंटीसीडेंट है। दे हु हैव नॉट डन देयर होमवर्क, चेक कीजिएगा अभी बात हुई थी, दे को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पर हम सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, वो किस में बदल जाता है, दोज में। तो यहां अब दे का आना गलत है, हमें किस में बदलना पड़ेगा, दोज में, दोज वो लोग, हु हैव नॉट डन देयर होमवर्क, जिन्होंने उनका होमवर्क नहीं किया है। अब दोज बदलेगा, दोज के लिए हु आ रहा है और हु को क्या माना जाएगा, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से ही वर्ब आगे है, अब हमारा सेंटेंस सही है। दे को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पर इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको दोज में बदल दिया जाता है। नीचे वाला सेंटेंस है, इट इज दे हु नीड योर हेल्प, कुछ देर पहले भी हमने इस सेंटेंस की बात की थी, इट इज दे हु नीड योर हेल्प, ये वही लोग हैं जिनको तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु मौजूद है, रिलेटिव क्लास, हु नीड योर हेल्प। एंटीसीडेंट क्या है, जी हाँ दे इसका एंटीसीडेंट है, अभी हमने बात की थी, दे को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, वो किस में बदल जाता है, दोज में। तो यहां सेंटेंस सही हुआ या गलत, जी नहीं, यहां सेंटेंस सही है, अब ये दोज में नहीं बदलेगा, यहां दोज में बदलेगा ठीक है, लेकिन यहां ये नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या मौजूद है, इट प्लस बी का स्ट्रक्चर मौजूद है, इट और इज मौजूद है, यानी कि दे हम रख सकते हैं कब, अगर हमारे पास इट प्लस बी मौजूद है, इट प्लस बी मौजूद है तो आप दे का रूप नहीं बदलोगे, दे में ही रहेगा, आगे रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है तो भी। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे हो सकता है, अब दे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या मौजूद है, इट प्लस बी मौजूद है, और इट प्लस बी अपने बाद में सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लेते हैं, और दे जो है उस सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन के रूप में ही है, तो दे को हम नहीं बदलेंगे कब, अगर इट प्लस बी मौजूद है, लेकिन अगर इट प्लस बी मौजूद नहीं है तो फिर दे जो है वो 100% किस में बदलेगा, दोज में बदलेगा। तो इसलिए ये सेंटेंस यहां पर सही है, क्योंकि इट और इज, इट प्लस बी की संरचना मौजूद है, तो दे को रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उससे पहले इट प्लस बी मौजूद हुआ तो, लेकिन अगर ये मौजूद नहीं हुआ तो फिर दे नहीं होगा, वो किस में बदल कर आएगा, दोज में बदल कर आएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा गौर करके सेंटेंस को पढ़ा कीजिएगा, ताकि आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव टू पॉकेट्स विच बोथ आर फुल ऑफ मनी, मेरे पास दो जेबें हैं, विच बोथ आर फुल ऑफ मनी, जो कि दोनों ही पैसे से भरी हैं। कोई रिलेटिव प्रोनाउन है इस वाक्य में, जी हाँ विच, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट क्या है, जी हाँ टू पॉकेट्स, दोनों जेबों के लिए आ रहा है विच, ठीक, चेक कीजिएगा सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस सही है क्या, ये सेंटेंस इस वक्त यहां पर गलत है। और गलत क्यों है देखते हैं, अगर यहां पे ये बोथ नहीं होता, अगर यहां से मैं बोथ हटा दूं, अब सेंटेंस हमारा सही है, विच जो क्या है बहुवचन का काम कर रहा है, क्योंकि टू पॉकेट्स बहुवचन के लिए आ रहा है, क्रिया भी कैसी लेगा, बहुवचन की लेगा, आर बहुवचन की है, अब सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन आपको बोथ को हटाकर वाक्य सही नहीं करना है, बोथ के साथ क्या ग्रामर बनती है वो लगानी है, इधर बताइए, देखिए बोथ जो है ये अपने आप में क्वांटिफायर है, कुछ शब्द होते हैं जिनको क्वांटिफायर कहा जाता है, कुछ शब्द हैं जिनको इंग्लिश में क्वांटिफायर्स कहते हैं, क्वांटिफायर्स का मतलब होता है मात्रा या संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्वांटिफायर्स कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्या है, ऑल हुआ, नन हुआ, मैनी हुआ, सेवरल हुआ, बोथ हुआ, ये भी अपने आप में मात्रा या संख्या का बोध कराते हैं, तो इन शब्दों को क्वांटिफायर्स कहा जाता है। आगे डिटर्मिनेंट्स में इनकी बात होगी, अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई क्वांटिफायर का इस्तेमाल हो जाए, जैसा कि यहां पर हो रहा है, बोथ दोनों ही संख्या का बोध करा रहा है, तो बोथ यहां पर क्या है, एक क्वांटिफायर की भूमिका में है। तो अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ किसी क्वांटिफायर का प्रयोग होता है तो उनको लिखने का तरीका बदल जाता है, पहले उस क्वांटिफायर को लिखा जाता है,
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले स्थान उस क्वांटिफायर को दिया जाता है, बीच में अफ लगाया जाता है और उसके पश्चात हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। उनको लिखने का तरीका फिर इस तरीके से बनता है, पहले वो क्वांटिफायर रखा जाएगा, फिर ऑफ और फिर रिलेटिव प्रोनाउन रखा जाएगा, इस संरचना के अंतर्गत उसका इस्तेमाल होगा। तो अब यहां पर विच के साथ एक क्वांटिफायर बोथ मौजूद है, तो अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, विच बोथ करूं क्या, पहले मैं किसको स्थान दूंगा, क्वांटिफायर को, तो ये क्या बनकर आएगा, बोथ ऑफ विच। अब हमारा सेंटेंस सही है कि आई हैव टू पॉकेट्स, मेरे पास दो जेबें हैं, बोथ ऑफ विच जो कि दोनों ही आर फुल ऑफ मनी, पैसे से भरी हुई हैं, यानी कि क्वांटिफायर पहले आएगा, फिर ऑफ और फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, बोथ क्वांटिफायर ऑफ प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई क्वांटिफायर जुड़ा हुआ हो तो संरचना को फिर इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। और सेंटेंस देखते हैं इसी पर आधारित। और सेंटेंस है आपके लिए, दिस बुक कंटेन्स 180 पेजेस, इस बुक के अंदर 180 पेज निहित हैं। कंटेन्स निहित होना, समाहित होना, इस दिस बुक कंटेन्स 180 पेजेस, इस बुक के अंदर 180 पेजेस हैं, विच ऑल आर इन कलर्ड फोटोग्राफ्स, जो कि सारे ही कलर्ड फोटोग्राफ्स में हैं। कोई रिलेटिव प्रोनाउन, जी हाँ, विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंटीसीडेंट भी होगा ही होगा, किसके लिए आ रहा है, 180 पेजेस इसका एंटीसीडेंट है, 180 पेजों को ही मैं विच कह रहा हूं। क्रिया भी आर बहुवचन की है, चेक कीजिएगा सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस गलत है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अकेला नहीं है, उसके साथ क्या मौजूद है, ऑल मौजूद है, ऑल सभी, ये भी अपने आप में क्या है, एक क्वांटिफायर है, और क्वांटिफायर अगर आ जाता है तो उसको लिखने का तरीका बदलता है। अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई क्वांटिफायर आता है तो पहले स्थान किसको दिया जाता है, क्वांटिफायर को, बीच में क्या लगेगा, ऑफ और उसके पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, ऑल ऑफ विच, दिस बुक कंटेन्स 180 पेजेस, ऑल ऑफ विच आर इन कलर्ड फोटोग्राफ्स। अब आपका सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्ड मैन, ये वही बूढ़ा व्यक्ति है, हुज ऑल सन्स आर क्रिमिनल्स, जिसके कि सारे ही पुत्र क्रिमिनल्स हैं। कोई रिलेटिव प्रोनाउन, हुज, एंटीसीडेंट कौन है, द ओल्ड मैन, चेक करो रिलेटिव प्रोनाउन अकेला है या कोई क्वांटिफायर है उसके साथ, जी हाँ क्वांटिफायर है, तो अब इसको लिखने का तरीका बदलेगा, हुज ऑल सन्स, अभी ऑल क्वांटिफायर है लेकिन अपने साथ एक नाउन और ले रखा है, तो इसको पूरे को ही हम लोग पहले ले आएंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ऑल सन्स ऑफ हुज, यानी कि ऑल सन्स ऑफ हुज, इस तरह से लिखा जाएगा, ऑल सन्स ऑफ हुज आर क्रिमिनल्स, पहले क्वांटिफायर रखा जाएगा, फिर ऑफ और फिर रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपका सेंटेंस सही बना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में। एक सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, यंग ऑफेंडर्स मेनली हु आर ऑर्फन्स हैव डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स। यंग ऑफेंडर्स, बाल अपराधी, मेनली मुख्य रूप से, हु आर ऑर्फन्स, जो कि अनाथ हैं, हैव डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों में मुसीबतें होती हैं। सेंटेंस सही है क्या, चेक कीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, जिसको की क्रिया कैसी दे रखी है, प्लूरल की, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। एंटीसीडेंट क्या है, यंग ऑफेंडर्स इसका एंटीसीडेंट है क्या, हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की जगह अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होती है, यानी कि जिस शब्द के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो शब्द उससे तुरंत पहले होता है, जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं। हम बिना एंटीसीडेंट के रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जिस शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है, जिस शब्द के साथ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बनाएगा, अगर उस शब्द को ही आपने हटा दिया तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही खत्म हो जाएगा, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ उसका एंटीसीडेंट वो शब्द देना पड़ेगा। चेक करो यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट कौन है, आपको लग रहा होगा कि यंग ऑफेंडर्स उसका एंटीसीडेंट है, जी नहीं, सेंटेंस इस वक्त गलत है। हाँ, अगर ये मेनली सेंटेंस में नहीं होता तो सेंटेंस सही हो जाता, तब हु का एंटीसीडेंट कौन होता, यंग ऑफेंडर्स ही होता, तब तो एंटीसीडेंट यंग ऑफेंडर्स ही बनता, लेकिन अब मेनली ने आकर
कुछ अलग मीनिंग दिया है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसिडेंट ही गायब है, अब यंग ऑफेंडर्स जो है इसका एंटीसिडेंट नहीं है। कैसे नहीं है, एक बार इसका आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो आपको पकड़ में आएगा। यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी, उनमें से भी मेनली मुख्य रूप से वो लोग हु आर ऑर्फन्स, जो कि अनाथ हैं, हैव डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स, उनको जिंदगियों में मुसीबतें होती हैं। यहां हु आर ऑर्फन्स ये आपकी क्या है, रिलेटिव क्लास है, हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ है। अब कह रहा है कि बाल अपराधी यंग ऑफेंडर्स, ऑफेंड होता है अपराध, ऑफेंडर अपराधी, और यंग ऑफेंडर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो बाल अपराधी। तो यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी मेनली हुआ ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं, हैव डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों में मुसीबतें होती हैं। तो अब यहां यंग ऑफेंडर्स, ये बात सभी यंग ऑफेंडर्स की कर रहा है क्या, सभी बाल अपराधियों की बात हो रही है, या उनमें से भी मेनली मुख्य रूप से वो लोग जो कि अनाथ हैं उनकी बात हो रही है। अब इस शब्द ने, इस मेनली ने इन यंग ऑफेंडर्स के अंदर से एक अलग वर्ग छांट दिया, एक अलग ग्रुप निकाल दिया कि यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी मेनली मुख्य रूप से वो लोग हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं। तो केवल जो कि अनाथ हैं उन लोगों की बात हो रही है, ना कि सारे यंग ऑफेंडर्स की। यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी मेनली मुख्य रूप से वो लोग हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं, तो यहां बीच में वो लोग गायब हैं, हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं, यानी कि ये हु आर ऑर्फन्स रिलेटिव प्रोनाउन इन सभी के लिए ना आकर के उस अलग से उस ग्रुप के लिए आ रहा है जिसको मेनली ने अलग किया है। तो उस ग्रुप को दर्शाने के लिए जो कि अनाथ है, वो लोग जो कि अनाथ हैं, यानी यंग ऑफेंडर्स मेनली मुख्य रूप से वो लोग हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं, तो ये वो लोग जिसको हु कह रहे हैं हम, बीच में गायब है कि नहीं है, यानी कि इस मेनली ने एक अलग ग्रुप निकाल दिया है, उस अलग ग्रुप के लिए हु का प्रयोग हो रहा है। तो उस ग्रुप को दर्शाने के लिए कोई शब्द तो होगा जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन उसको जोड़ेगा, उस ग्रुप को दर्शाने के लिए कोई शब्द रखना जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उसी शब्द के लिए आ रहा है, तो वो शब्द ही यहां गायब कर रखा है कि नहीं। यानी कि अब मैं यहां क्या करूंगा, उस ग्रुप को दर्शाने के लिए मैं यहां दोज लगाकर सही कर सकता हूं। अब सेंटेंस को पढ़िएगा, यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी मेनली मुख्य रूप से दोज वो लोग हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं। तब ये हु किसके लिए आ रहा है, अब ये दोज के लिए आ रहा है, दोज वो लोग हु आर ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं। तो अब इस मेनली ने यंग ऑफेंडर्स के अंदर से एक अलग ग्रुप निकाल दिया, यंग ऑफेंडर्स बाल अपराधी उनमें से भी मुख्य रूप से दोज वो वाले लोग जो कि अनाथ हैं। तो अब अगर मैं दोज यहां से हटा दूंगा तो हु का एंटीसिडेंट गायब हो गया कि नहीं। तो अब इस मेनली की वजह से यहां हमें क्या डालना पड़ा, दोज। कुछ शब्द होते हैं जैसे मेनली हुआ, चीफली हुआ, पर्टिकुलरली हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, इन शब्दों के तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये शब्द जो हैं एक अलग ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को दर्शाने के लिए वो शब्द बीच में आना जरूरी है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है, और उस ग्रुप को दर्शाने के लिए अक्सर हम दोज का प्रयोग कर देते हैं इन शब्दों के तुरंत बाद। ठीक है, उसी तरह का एक और वाक्य आपके सामने है, स्कूल लीवर्स यानी स्कूल छोड़ने वाले, स्पेशली उनमें से भी मुख्य रूप से वो लोग हु फेल देयर एग्जाम, जो अपने एग्जाम फेल कर देते हैं, हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग जॉब, उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। अब हु का एंटीसिडेंट कौन है, स्कूल लीवर्स हैं क्या, जी नहीं। इस स्पेशली ने आकर के एक अलग वर्ग निकाल दिया, स्कूल लीवर्स स्कूल छोड़ने वाले, और उनमें से भी स्पेशली मुख्य रूप से वो लोग जो एग्जाम फेल कर देते हैं, तो वो लोग यहां से गायब है कि नहीं है। तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको, जी हाँ, यहां पर दोज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसिडेंट कौन मिला, दोज मिला। पढ़ के देखिएगा सेंटेंस, स्कूल लीवर्स, स्कूल लीवर्स स्कूल छोड़ने वाले, स्पेशली उनमें से भी स्पेशली मुख्य रूप से दोज वो लोग हु फेल देयर एग्जाम, जो अपने एग्जाम फेल कर देते हैं। अब हु का संबंध स्कूल लीवर्स से नहीं है, स्कूल लीवर्स के अंदर से भी इस स्पेशली ने, इस शब्द ने एक अलग से ग्रुप निकाल दिया जिसको मैं दोज कहकर संबोधित कर रहा हूं, दोज के लिए हु आया है। स्कूल लीवर्स स्कूल छोड़ने वाले, स्पेशली मुख्य रूप से दोज वो लोग हु फेल देयर एग्जाम्स, जो अपने एग्जाम फेल कर देते हैं, हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग जॉब, उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जैसे स्पेशली हुआ, मेनली हुआ, चीफली हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, पर्टिकुलरली हुआ, ये शब्द
अपने बात तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लेते क्योंकि अलग वर्ग की बात करते हैं, अलग ग्रुप निकालते हैं, उस ग्रुप के लिए बीच में दोज लगाना पड़ता है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन आगे जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन थी। तो आपका प्रोनाउन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार प्रोनाउंस को रिपीट जरूर करते रहिएगा, जितने भी वीडियोस हैं उनको बार बार देखते रहिएगा, जितनी बार आप उनको देखेंगे उतना ही आपके माइंड में अच्छे से वो सेट हो जाएंगे। चलिए अब हमने जितने भी प्रोनाउन पढ़े हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो कुछ आपने पढ़ा है वो एक्सरसाइज के अंदर आपका रिपीट भी हो जाएगा और एक्सरसाइज के अंदर कई बातें हैं जो रह जाती हैं वो एक्सरसाइज के अंदर आ जाएंगी। चलिए अगले वीडियोज में इसकी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे।